गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जमात नौवीं उर्दू हिसार गजलियात में से फैज अहमद फैज की दूसरी गजल नौवीं जमात के लिए। तो इस गजल का मतला है, कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। कब ठहरेगा दर्द ए दिल, कब रात बसर होगी। सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। तो यहां पे फैज अहमद फैज फिर से किसी की कमी महसूस कर रहे हैं, जैसे हमने पहली गजल में पढ़ा था। इसी तरह से है, उसी तरह से इसमें भी किसी न किसी की कमी है। शायद फैज अहमद फैज फरमाते हैं कि आखिर ये दर्द दिल कब खत्म होगा, और ये गम की, ये जुल्मत की रात कब बसर होगी, और हम वो नए सुख कब देखेंगे। हमने सुना था कि महबूब के आने से हमें इस रात से नजात मिल जाएगी, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं हुआ और हमें कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। हमने सुना था महबूब के आने से ये रात खत्म होगी, लेकिन अभी तक वो भी नहीं आया। तो लेकिन अब आने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही है। इसका शेर है, कब जान लहू होगी कब अश्क गौहर होंगे, कब जान लहू होगी कब अश्क गौहर होंगे, कब तक तेरी सुनवाई ए दीदाए तर होगी। यहां रोती हुई आंख से मुखातिब होकर शायद फरमाते हैं कि तेरे रोने का तुझे सिला कब तक मिलेगा, ये तेरे आंसू कब रंग लाएंगे, ये तेरे आंसू कब इनकलाब बर्पा कर देंगे, ये तेरे आंसू कामयाबी की तरफ कब ले जाएंगे तुझे। कोई उम्मीद दिखती नहीं है, कुछ मालूम नहीं है क्या होगा क्या नहीं होगा। रोती हुई आंख से कहता है कि आखिर ये आंसू तेरे तू जो आंसू बहाती है ये कब तुझे कामयाबी मिलेगी, ये कब मोती में तब्दील हो जाएंगे, हम इन आंसुओं को मोती की शक्ल में कब देखेंगे, यानी हम कामयाबी कब देखेंगे। कब महकेगी फसल गुल, कब बहकेगा मैखाना, कब सुबह सुगंध होगी कब शामें नजर होगी। अब यहां पे शायर कहता है कि वो दौर कब आएगा जब फूल खिलेंगे, फूल महकेंगे, बाग में बहार आएगी, हर तरफ बहार ही बहार होगी, और मैखानों में रौनक होगी, मैकशों की रौनक होगी, आजादी होगी, कोई पाबंदी नहीं होगी। वो दिन कब आएगा, हम हंसती हुई सुबह देखेंगे, और हम देखने के लायक, हमें देखने के लायक, और हमें वो मंजर वाली खूबसूरत और समा वाली शाम देखने को मिलेगी। वो दिन कब आएंगे, उन दिनों के लिए शायर तड़प रहा है, उन दिनों के लिए शायर ख्वाहिश करता है। वारिस है ना जाहिद है, नासिर है ना कातिल है, अब शहर में यारों की किस तरह बसर होगी। वारिस होता है वास करने वाला, नासिर होता है नसीहत करने वाला, जाहिद होता है परहेजगार, कातिल होता है कत्ल करने वाला। अब शायर की निगाह में शायर कहता है कि शहर में कोई बाकी रहा ही नहीं, क्योंकि यहां कोई वास करने का वाला भी नहीं रहा जो हमें वास करे, जो हमें नसीहत करे, जो हमें गलत कामों से रोके। यहां पे कोई जाहिद भी नहीं रहा, कोई परहेजगार भी नहीं रहा, सारे गुनाहगार ही गुनाहगार हैं हर तरफ, और कोई कातिल भी नहीं रहा। कातिल यहां पे खास तौर से शायद ने महबूब के लिए इस्तेमाल किया है, कोई कातिल भी नहीं। तो अब इस शहर में इतनी पैरोनकी हो गई उनके ना होने से, बहुत मुश्किल है यारों को अब इस शहर में जीना, यानी उनका जीना अब आज पर रह गया है। कब तक अभी रह देखे एक काम दे जाना ना, कब फसल मुमकिन है तुझको तो खबर होगी। यहां पे मैं अपने दराज कर महबूब से मुखातिब होकर फैज अहमद फैज फरमाते हैं, आखिर कब आओ गया, कब आपने आना है, हम बहुत लंबी इंतजार में है, बहुत देर से इंतजार में है आपके, आखिर आपने आना कब है, क्योंकि आपका आना जो है वो हमारे लिए किसी कयामत से कम नहीं, और इस कयामत का तायुन कब के लिए हुआ है, इस कयामत
पापा होना है ये आपको पता होगा, हमें पता नहीं, आपको तो जरूर इसके मुतालिक पता होगा, लिहाजा हमें भी बताइए ये कयामत कब पापा होगी। शुक्रिया।